आज आप देख सकते हैं कि वजीरेक्स किस हालात तक पहुंच चुका है, यानी कि वजीरेक्स के वॉलेट्स हैक हो चुके हैं, INR फंड्स अभी यूजर्स को नहीं मिल रहे हैं, क्रिप्टो के जो फंड्स हैं वो भी रिस्टोर नहीं हो पा रहे हैं। तो शायद ये देखने में लगता है कि शुरुआत सिर्फ हैक से हुई है, लेकिन सच्चाई देखी जाए तो सच्चाई तो यह है कि जब बाइनेंस ने वजीरेक्स के अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया था, तब से ही वजीरेक्स का एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका था। और आप देख सकते हैं वो डाउन ट्रेंड चलते चलते आज वजीरेक्स के आप हालात देख सकते हैं टोटली खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद बन रही है कि अभी वजीरेक्स सही तरीके से वैसे ही लौट कर आएगा, जो मैं अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर दे रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि आपने देखा कि वजीरेक्स खत्म हुआ, वजीरेक्स का WRX खत्म हुआ, लेकिन इस दौरान अगर हम उसी चीज़ को देखते रहेंगे कि वजीरेक्स खत्म हो चुका है या फिर WRX खत्म हो चुका है, तो हमारे प्रॉफिट्स कभी भी नहीं बनने वाले। जो एक्चुअल में लॉस हो चुका है या फिर जो हमारे क्रिप्टो के फंड्स, INR के फंड्स अभी होल्ड में पड़े हैं, उनको वहीं रहने दो। लेकिन ये जो अभी बुल रैली आ रही है, बुल रैली को मिस मत करो। आप देख सकते हैं BTC $65,000 से ऊपर जा चुका है, लगभग $66,000, यानी कि इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और डेफिनेटली $70,000 से ऊपर जाने वाला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो 50 से लेकर 54 तक चल रहा है, यानी कि न्यूट्रल चल रहा है, लेकिन ये ग्रीड की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आप इथेरियम देख सकते हो, BNB देख सकते हो, BNB और बाइनेंस को लेकर आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप इस बुल रन में मिस ना कर दें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि पहले आपका ध्यान सिर्फ टैप करने में रहा या फिर हैमस्टर कॉम्बैट में, कैटिजन में रहा, तो पहले जो समय बर्बाद हो चुका है उसको अब छोड़ दो। लेकिन अभी सही मौका है, सही जगह पे इन्वेस्ट कर लो, सही जगह पे अपने एसेट्स अपने रख लो सही एक्सचेंज में, तो आपको यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट डेफिनेटली मिल जाएगा कि आपके जो लॉसेज हैं पिछले वो भी कवर हो जाएंगे। तो शुरुआत में वजीरेक्स और बाइनेंस से ही करूंगा, उसके बाद हम कुछ कॉइन्स की लिस्ट डिस्कस करेंगे जो मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से कॉइन्स आपको अभी लेने चाहिए, होल्ड करने चाहिए वॉलेट में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे, और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखें हमेशा वॉलफिट ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो जैसे कि आपको बता रहा था कि वजीरेक्स खत्म हुआ है, लेकिन इसी दौरान बाइनेंस के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि बाइनेंस के जो फाउंडर हैं CZ, उनको भी जेल में रखा गया। तो CZ ने लगभग 2 महीने स्पेंड किए हैं मिनिमम सिक्योरिटी के साथ प्रिजन में, कैलिफोर्निया की डेजर्ट में। तो वहाँ पे इतना समय बिताने के बाद अब इनको फाइनली रिलीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिलीज होने के साथ साथ हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि BNB, जिसका प्राइस ऑलरेडी $600 से ऊपर है, $605 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू $700 का जो मार्क है पहले वाला ऑल टाइम हाई, वो फिर से क्रॉस करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो वजीरेक्स नीचे गया, BNB भी नीचे गया था, लेकिन अभी सबके सब रिकवर हो रहे हैं। यहाँ पे ना मैं तो BNB की ही बात करूंगा, क्योंकि BNB को लेकर यहाँ पे इतनी बड़ी अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है, BNB ने पहले भी बड़ा एक प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी है कि अभी और भी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है BNB। तो बाइनेंस ने वजीरेक्स के साथ बुरा किया था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो CZ है उनके साथ भी टोटली उतना ही बुरा हुआ है, यानी कि उनको बाइनेंस के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होने के ऊपर यहाँ पे पूरी रोक लगा दी गई थी। लेकिन इनके रिलीज होने के साथ साथ अगर हम यहाँ पे प्राइस देखते हैं तो ये जो प्राइस है लगभग 20% का बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, जिससे वैल्यू जा सकती है लगभग $700-$720 के आसपास, और ये मार्क अगर क्रॉस हो जाएगा इसके बाद इसकी वैल्यू $783 से भी ऊपर जा सकती है, यानी कि ऑलमोस्ट 800 भी ये टच कर सकता है। तो इसके पीछे एक और रीज़न भी है कि जब भी लॉन्च पुल आता है, लॉन्च पैड आता है, तो हमेशा BNBs को स्टे किया जाता है, BNB स्टे करने के लिए और भी ज़्यादा BNBs की बाइंग करी जाती है। यही कारण है कि आप देखते हो कि इतनी ज़्यादा BNB की वैल्यू बढ़ती है। अभी हैमस्टर की वजह से काफ़ी सारे BNBs को स्टे किया गया था, जितनी ज़्यादा बाइंग होगी या स्टेकिंग होगी हमेशा BNB बढ़ने ही वाला है, तो ये एक कारण था। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बता दूँ कि एवलांच का भी यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो एवलांच क्या है कि अभी एक रेट्रो 9000 ऐसा इनिशिएटिव रन करने वाला है जो कि डेवलपर्स के लिए होने वाला है, यानी कि डेवलपर्स को यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। एवलांच का जो एवेक्स कॉइन है इसकी वैल्यू लगभग $29-30 के आसपास चल रही है, $12 बिलियन का मार्केट कैप है, और मार्केट कैप के हिसाब से 12th रैंक चल रहा है। तो एवलांच भी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन है टॉप ऑल्टकॉइंस के लिए, यानी कि इससे ऊपर तो फिर वही रह जाते हैं जैसे कि कार्डानो है, ट्रॉन है, टॉन, XRP, सोलाना, BNB, यानी कि ये हमेशा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहे। तो इस प्रोग्राम की वजह से, ये जो इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, इसमें लगभग $40 मिलियन ग्रांट किए गए हैं, इससे एवलांच प्रोजेक्ट की और भी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ने वाली है, देन डेफिनेटली हम इसके प्राइस में भी एक बड़ा मूव देख सकते हैं। तो अभी $30 को ये जैसे रिक्लेम करेगा उसके बाद हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा एवलांच में।
अब मैं यहाँ पे तीसरा कॉइन भी बता दूँ इसी के साथ साथ, उसके बाद हम लिस्ट के ऊपर जाएंगे। यानी कि ये तो टॉप मोस्ट कॉइन्स हैं ही ना जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने ही वाला है, यानी कि जो प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज बाय कर लो, बाय करके भूल जाओ तब भी आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो तीसरा कॉइन यहाँ पे मैं एक इथेरियम की भी डिस्कशन कर लेता हूँ। तो इथेरियम की भी यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये अपना जो रेजिस्टेंस है $2700 का, उसको ये वापस फिर से रीटेस्ट करने वाला है। इसका मेन रीज़न यही है कि ETFs में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें आ रहा है जो कि लगभग $43 मिलियन के आसपास इसमें आया है, और ये दो दिन का टोटल इन्फ्लो हो चुका है $105 मिलियन का। तो यहाँ पे अगर हम जैसे बिटकॉइन का देखते हैं, ब्लैक रॉक की काफ़ी बड़ी सपोर्ट है, वैसे ब्लैक रॉक का ETH ए और इसी के साथ ग्रे स्केल का मिनी इथेरियम ट्रस्ट, ये तो ऐसे ETFs हैं जिनकी वजह से इनमें इतने ज़्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं, और इन्फ्लोज आते ही हमें इथेरियम के प्राइस में एक बड़ा मूव देखने को मिला है ऑलरेडी, और आने वाले समय में भी ये डेफिनेटली वो जो प्राइसेज हैं इसका $3000 से ऊपर $4000 ये बहुत ही ईजिली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं मेन चीज़ की बात करने वाला हूँ, ग्रे स्केल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ग्रे स्केल ने रिसर्च के बेसिस पर 20 डिजिटल एसेट्स को इंक्लूड किया है, जिसमें से 6 नए डिजिटल एसेट्स हैं, 6 नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी लो चल रही है, यानी कि अभी आपके पास टाइम है, आपके पास मौका है, इस प्राइस पर भी बाय करते हो तो शायद आप एक बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहला कॉइन सुई के नाम से, जो कि $1.7 के आसपास चल रहा है। वैसे तो ये कॉइन ऐसा है कि जिसकी अगर आप बाइंग $1 से नीचे करते तो शायद बहुत अच्छा था, लेकिन अभी की देखें तो $1.7 के आसपास चल रहा है, और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $2 के आसपास है। तो सही मौका मिलता है यहाँ पे, आप बाइंग कर सकते हैं, जिसके बाद ये अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करेगा, तो एक बड़ा हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है सुई में। और अगर इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिल रही है तो देन डेफिनेटली इसका प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। और ऐसे ही एक और कॉइन है, दूसरा हमारा कॉइन है ऑप्टिमिज्म, $1.85 के आसपास चल रहा है। तो ये भी ऑलरेडी अभी तो वैसे तो थोड़ा प्रॉफिट में है, लेकिन ये $1.9 के आसपास है, ऑल टाइम हाई इसका लगभग $5 के आसपास गया था, जिस कारण मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑप्टिमिज्म में अभी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बचा है, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत अच्छी जा सकती है, और वैसे भी बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। तीसरे कॉइन की बात करें तो ये हीलियम HNT, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बेयर मार्केट में भी बाय करवाया था, क्योंकि इसकी वैल्यू $50 से ऊपर गई है, लेकिन करंटली इसकी वैल्यू लगभग $7-8 के आसपास ही चल रही है। तो मेरे हिसाब से ये भी अभी बिल्कुल सही प्राइस पॉइंट है जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो HNT आपको डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, स्पेशली बिकॉज ग्रे स्केल ने इसको इंक्लूड कर लिया है। अब अगला प्रोजेक्ट जो इन्होंने इंक्लूड किया है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जो कि $524 के आसपास करंटली चल रही है, ऑन टाइम हाई इसका $600-650 तक गया है। तो अगर आप एक बड़ा एसेट रखना चाहते हैं तो ताओ कॉइन को आप ले सकते हैं, बिट टेंसर के नाम से ये प्रोजेक्ट है। तो ये एक मशीन लर्निंग बेस्ड नेटवर्क बना रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट होने की वजह से ही इन्होंने ग्रे स्केल ने इसको इंक्लूड किया है। तो अगर आप एक अच्छी वैल्यू वाला कॉइन लेना चाहते हैं तो आप अभी बिट टेंसर का ताओ कॉइन भी ले सकते हैं। और अगला हमारा जो कॉइन है, अगेन वैल्यू थोड़ी कम है, जो कि $2.5-3 के आसपास ही चल रहा है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई $30 से भी ऊपर गया है। तो अब देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पोटेंशियल इस कॉइन में है। तो ये उमा UMA प्रोटोकॉल के नाम से जानने वाला ये कॉइन, और एक्चुअल में 2018 में ये फाउंड किया गया था, जो कि एक्स गोल्डमैन सैक्स ट्रेडर से उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। तो इनका मेन रीज़न यहाँ पे क्या है कि जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं उनको यूनिवर्सली फेयर, एक्सेसिबल, सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज बनाया जाए। तो ये काम तो फ्यूचर बेस्ड या फिर फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ग्रे स्केल ने इसको इंक्लूड किया, तो आप भी इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट कॉइन है, सिक्स्थ कॉइन है, यह सेलो के नाम से। सेलो की वैल्यू $0.6 के आसपास चल रही है, और ये पहले हमने बाइंग करी है, लेकिन बहुत पहले करी थी, अभी भी मौका है। अभी मौका क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत है, कम है, जो है $0.6 के आसपास, ऑल टाइम हाई $6 से भी ऊपर गया हुआ है। तो अगर आपको ये बाय करने का मौका मिल जाता है तो डेफिनेटली इसको बाय करें, चाहे इसी प्राइस पॉइंट पे बाय कर लो, तो लॉन्ग रन में आपको ये प्रॉफिट देगा ही देगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। कार्बन नेगेटिव परमिशनलेस ब्लॉकचेन इन्होंने क्रिएट किया है, जिसमें ये अपना एक नया रिच इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो ये ऐसा नेटवर्क है जिसको एक्सेस किया जा सकता है मोबाइल फ़ोन के द्वारा। तो सेलो इकोसिस्टम को ये काफ़ी ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। तो ये थे हमारे 6 कॉइन्स, जो कि एक्चुअल में ग्रे स्केल ने नए कॉइन्स को ऐड किया है, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया BNB, एवलांच एंड इथेरियम जो बड़े कॉइन्स हैं, लेकिन उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हैं सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लेकिन अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप खुद भी अपनी पूरी रिसर्च करें। जब भी मैं प्रोजेक्ट
आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं भी रिसर्च करता हूँ, लेकिन उसके बाद आपका होमवर्क रह जाता है कि आपने पूरा रिसर्च करना है और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है। इसके अलावा किसी भी कॉइन के बारे में, जैसे कि HMSTR, हैमस्टर कॉम्बैट, लूना क्लासिक, शिबा इनू, वजीर एक्स इन या कैटीजन, ऐसे मीम कॉइन्स या शिबा, इन सबको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप नीचे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।